अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं, हमें ज़रा नायक की मेहंदी लगवानी, तो चलते हैं। इसने टारगेट सेट किया हुआ, इसने कहाँ जाना है? क्या कर रही हो? बाल कटवा लेना सही से अपने, तो बाल देखो किस कदर बड़े हुए हैं तुम्हारे। बनाया है मैंने, मैचिंग की हुई है देखो। हाँ, हमारे कपड़े एक जैसे हैं ना, है ना? ग्लासेस वाली, ये वाली वो ग्लासेस जो लगाया है ना, हैप्पी फेस, ये वाली ये मुझे पकड़ा है। अच्छा चलो, जब तक ज्वेल कटवाएगा ना तो जैन आपको पास ले जाएगा। आओ वहां तो चलो ना मेरे साथ, आओ तो फिर चली जाना। अनाय पार्क बंद हो चुका है, और आपने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? मेहंदी अच्छी नहीं लगी। क्यों? सब बच्चे लगाते हैं बेटा, मेहंदी तो लगवा लेती, फिर मैंने भी नहीं लगवाई इसीलिए तुम्हारी वजह से। Why? क्या Why? क्या पार्क? रात के ऑलमोस्ट कोई 10 बज रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं आपका, क्योंकि अनाया ने तो मेहंदी लगवाई नहीं, और इतना टाइम भी लग रहा था, उसके बावजूद भी जो है इसने मेहंदी नहीं लगवाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। और रात भर हम सोए नहीं, क्योंकि फिर सुबह जो है आँख नहीं खुलती, तो बस अब जो है तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, ये लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, फिर आके सोएंगे और इंशाल्लाह फिर जो है आप लोगों से मुलाकात होगी आफ्टरनून के बाद। हाँ, भी देख सकते हैं अभी हम 6:50 पे आए हैं और 7:30 बजे नमाज है। हमारे लिए लकी बात ये कि हम अंदर बैठ सकते हैं, इतना मसला नहीं होगा। साढ़े सात नमाज होगी ईद की ना भी। गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, ऊपर से मुझे अस्थमा है जो मुझे खांसी होती है बहुत ज़्यादा, और मैंने कपड़े भी नहीं लिए ईद के, थोड़े बहुत मैंने लिए थे, वही आपको शूट में दिखेंगे शाम के जो मैं करने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग जाएंगे शाम में जलाल गाइस, आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि हमने जो ईद की शॉपिंग की थी, आपको नाश्ते के बाद सारे कपड़े दिखाएंगे हम। और नेक्स्ट चीज, जब हम चेस वैल्यू गए तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी अपने लिए वहाँ से, एंड बहुत तरह की अच्छी अच्छी रिंग्स मिल गई, बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए मेरे मुँह पर वो इतने दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसी एक चीज़ लगाऊंगा कि दिखेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मेरे कपड़ों को देखेंगे, मुझे नहीं देखने वाले।
और मुझे फैशन का शौक है इसलिए मैंने वो कपड़े खरीदे एंड मैं शलवार कमीज बिल्कुल नहीं पहनने वाला। गाइस हम लोग कुछ एक्सेसरीज निकालने हैं जैन के लिए, गोल्ड की जो मेरे पास थी, कपड़े हम आपको दिखाते हैं। गाइस हमने ये कपड़े चूज करे एंड मैंने ये बैग खरीदा नया, माय वॉच, मेरी चेन, मेरी रिंग, मेरे ग्लासेस। और जैन को मैंने कुछ एक्सेसरीज दी है गोल्ड की, एक ब्रेसलेट दिए और ये वाली रिंग दी है और ये वाली वॉच एंड ये हमारा फुल आउटफिट है। हमने शुरू से आपको अभी यही दिखाया, वो आपको हमारे शूट के अंदर दिख जाएंगे जब हम नीचे जाके ब्लॉगिंग करेंगे। गाइस हम नीचे आ चुके हैं शूट करने के लिए, तो मैंने कपड़े ये पहन लिए पूरे एंड अनाया को भी हम लाए थे पर वो शूट नहीं कर रही, पता नहीं क्यों वो रो रही है क्योंकि उसको पार्क जाना है तो वो इतनी सारी फोटोज नहीं खिंचवा रही। हम मैंने और जैन ने लिए हैं दो, मतलब एक दो नहीं ज़्यादा लिए हैं, पर वो ले रही नहीं है। हमने एक दो फोटोज ली तो आए उसकी पर रो के चली गई।